विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. संपूर्ण देशात कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे सुरक्षितता पाळण्यात येत आहे. धुळे शहरात देखील मस्जिदमध्ये 5 वेळेच्या नमाजाविषयी आधीच घोषित करण्यात आली आहे. या मस्जिदीमधून 5 वेळेची अजान दिली जाईल, मात्र फक्त 4 लोकांनाच मस्जिदमध्ये प्रवेश देता येईल. इतरांनी घरी नमाज पाडावी असं आवाहन मुफ्ती सय्यद मोहम्मद कासिम जिलानी यांनी केलं आहे. बाकीच्या लोकांनी आपापल्या घरी नमाज पठण करायचं आहे. या प्रकारे सगळीकडे नमाज होईल. शबे बारात या दिवशी देखील मस्जिद मध्ये फक्त 4 जणांनाच नमाज पठण करतील. बाकीच्या सर्वांनी आपापल्या घरीच नमाज पठण करायचे आहे. कब्रस्तान आदी ठिकाणी जाण्यास किंवा बाहेर फिरण्यास, चौकात बसण्यास वेळ घालवू नये व आपल्याकडून कोणाला त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी व कोरोनावर मात करण्यासाठी सर्वांनी प्रार्थना करावी असं आवाहन जमियत उलेमा जिल्हा धुळेचे मुफ्ती सय्यद मोहम्मद कासिम जिलानी यांनी केलं आहे. मोहतरम सामीईने किराम, 9 अप्रैल बरोज जुमेरात शाबान की 14वीं तारीख को शबे बारात का मुबारक मौका आ रहा है, मुबारक रात आ रही है और इस मुबारक रात की बहुत ज़्यादा फजीलत है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस मुबारक रात में अल्लाह ताला बनू कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मगफिरत फरमाता है सिवाय चंद लोगों के, एक वो जो शिर्क करने वाला हो, एक वो जो टखनों से नीचे पाजामा पहनने वाला हो, क़ता ताल्लुक़ करने वाला हो, जिना करने वाला हो, इसी तरह से रिश्वत और सूद में मुबतला हो, किसी के बारे में अपने दिल में कीना कपट रखने वाला हो, रिश्ता नाता तोड़ने वाला हो, ऐसे चंद अहबाब हैं जिनकी इस मुबारक रात में जहां हज़ारों लोगों की मगफिरत होती है लेकिन इस रात में उन लोगों को महरूम कर दिया जाता है. हमें चाहिए कि इस रात के आने से पहले इन सारे गुनाहों से और जिन लोगों के मुतालिक सख्त वाइदें नकल की गई हैं मगफिरत से महरूमी के मुतालिक, ऐसी चीज़ों में अगर हम मुब्तला हैं तो उनसे तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और इस रात में खूब कसरत से इबादत करने की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए, ये दुआ करें. शबे बारात का मुबारक मौका और उसका वक्त जुमेरात की मगरिब के बाद से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन आप हजरात जानते हैं कि मुल्क में कोरोना वायरस फैलने की वजह से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता कई दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हुकूमत के साथ मिलकर कोरोना वायरस की मुखालिफत के ऊपर जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उठा रहे हैं और अहकामात की पाबंदी कर रहे हैं. मस्जिदों में भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 अफराद नमाज़ पढ़ रहे हैं. अजान होने के बाद लोगों को ऐलान कर दिया जाता है, इत्मीनान से लोग घरों पर बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं. शबे बारात के मौके पर भी हमें इसी तरह से करना है और ख़ास तौर से याद रखना है कि इस मुबारक रात में चूँकि नफल इबादत के लिए कोई इज्तिमा जमा होना वैसे भी नहीं है, इसलिए घरों पर ही रहकर हस्बे मौका जितनी भी हम लोग इबादत कर सकते हैं घर पर इबादत करने की कोशिश करें. नफल नमाज है, कुरान करीम की तिलावत है, तौबा है, इस्तग़फ़ार है, ये सारी चीज़ें जितनी कसरत से करना चाहें हम लोग करने की कोशिश करें. अगले दिन और उससे पहले दिन या बाद 2-3 दिन रोज़े रख लें तो बहुत अच्छा है और इस मुबारक रात में खुसूसी तौर से ख्याल रखें कि लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इस रात का बहाना बनाकर रास्तों पर, चौराहों पर, कब्रस्तानों में फिरने के लिए, तफरी करने के लिए जाएं, मस्जिद में भीड़ लगाएं. इससे तमाम हजरात बाज रहें, खुसूसी तौर से नौजवानों से दरख्वास्त है कि इस रात को गफलत में न गुजारें. अजहर पठान, स्टार महाराष्ट्र न्यूज़, धुड़े.